आज मैं आपको घर में कैसे बेसन का लड्डू बनाया जाता है वो आपको मैं बता रही हूँ। जैसे कि बेसन जो गणेश का है पीसी हुई, ये रही चीनी, इलायची, बादाम, घी या डालडा। ये कढ़ाई जो मैं हाई फ्लेवर में गरम कर चुकी हूँ, पहले जो बादाम रखी थी उसे हम भूंज लेंगे। ये आपका बादाम जो मैं डाली थी, 5 से 10 मिनट तक हल्का ये गैस का फ्लेवर करके भूज चुकी हूँ। अब मैं इसे निकालती हूँ दूसरे जगह। ये आपने बादाम निकालने के बाद जो कढ़ाई गरम है उसी में मैं नेक्स्ट प्रोसेस में अब लग रही हूँ। पहले मैं चीनी 1 कप और 1 कप पानी चाशनी के लिए बस। अब इसे हल्का आंच में इसको हम ये चाशनी बना रहे हैं। ये मैंने जो चाशनी तैयार हो गई है आप ये देखिए, ये एक थाली में हम पहले से थोड़ा सा घी लगा के रख दी हूँ और फिर इस पर मैं चाशनी को डालूंगी, डाल रही हूँ। ये जो मैंने पहले बादाम भूंज के रखी थी इसे अब हल्का दरदरा करने जा रही हूँ, जो पहले छिलका हट साफ कर चुकी हूँ। ये जो मैंने बादाम देखिए इस तरह, बेसी बारीकी भी नहीं आपको नहीं करनी है। ये जो मैंने पहले चाशनी जो बनाई थी अब वो ठंडा हो गया है, आप इसे मैं फिर मिक्सी में बारीकी करने जा रही हूँ। ये चीनी बारीकी हो चुकी है, अब मैं आगे प्रोसेस में लग रही हूँ। ये मैंने डालडा गरम कर चुकी हूँ, इसमें छोटी इलायची डाल रही हूँ और उसके बाद बेसन। ये आप इसे हल्का सेम करके इसे आप 10 मिनट तक फ्राई करना है और हाथों को रोकिएगा नहीं, सटना नहीं चाहिए इसे। ये 10 से 15 मिनट इसे हल्का आंच में हम भूजने में लगा और जब तक इसमें तेल जब छोड़ने लगेगा तब आप समझिए कि आपका बेसन अच्छी तरह पक चुकी है। अब इसमें हम भूजा हुआ जो बादाम रखे थे ग्राइंड करके वो डाली, उसके बाद जो चीनी बस। अब इसको अच्छी तरह हमें मिक्स करना है। अब मैं गैस बंद कर चुकी हूँ, आप इसे थोड़ा सा ठंडा होने दीजिए, गर्म में बनाने में तो हाथ आपका जल जाएगा, इसीलिए थोड़ा ठंडा होने पर आप इसे लड्डू बनाना शुरू कर देंगे। ठीक, ये चम्मच जो एक साइज का होगा आपका लड्डू। ये जो लड्डू हो चुकी है, ये देखिए आपका बेसन का लड्डू तैयार है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।